गदर 2 भी देखी है, OMG भी देखी है, लेकिन OMG में वो मजा नहीं है जो गदर 2 में है। OMG नहीं मैम, गदर 2 ही देखनी, और दोबारा शो 4 बजे का भी बुक कर दिया, 4:20 का ही। जो 22 साल पहले एक्टिंग उससे भी अच्छी एक्टिंग लगी इस बार। दिल खुश हो गया देख के, और गदर 3 का भी इंतजार है। I saw OMG 2, Pankaj Tripathi has nailed it. अच्छी मूवी है मैम, सेक्स एजुकेशन के रिगार्डिंग है, काफी अच्छी मूवी है। सेक्स एजुकेशन एक्चुअली हर किसी को मिलनी चाहिए। गदर 2 जो आई है मतलब बेस्ट आई है सबसे ज्यादा। हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं GIP मॉल, और यहाँ पे दो बहुत ही बड़ी मूवी रिलीज हुई है, एक का नाम है OMG 2 और एक का नाम है गदर 2। लेकिन बॉक्स ऑफिस में धमाल देखो कौन मचा रही है। जी हाँ, एडवांस बुकिंग में गदर 2 ने गदर मचाया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त OMG 2 का बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है। जनता को उनका जो सोशल मैसेज है यानी कि सेक्स एजुकेशन के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आइए हम लोगों से उनकी राय लेते हैं कि उनको कौन सी मूवी अच्छी लगी और बॉक्स ऑफिस पर कौन सी मूवी जो है क्लैश करके और पठान का रिकॉर्ड तोड़ने में कायम होती है। कौन सी मूवी देख के आए आप? गदर 2। कैसी लगी आपको? मैम बहुत बेहतरीन मूवी, और जो लड़का छोटा सा था वो बड़ा हो गया, हाँ बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा लगा जी। आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे गदर 2? मैम मैं तो 100 में से 100 देना चाहता हूँ। 100 में से 100, इतनी अच्छी लगी? बहुत अच्छी मूवी। और 22 साल बाद गदर 2 का ये सीक्वल। बस थोड़ी मैडम जो वहाँ पे जो हीरोइन है ना वो डाउन मार गई पहले, हाँ उसकी जो लाइटिंग ही ना वो नशा कर करके डाउन हो गई, पहले अच्छी थी वो दिखने में। OMG 2 के को लेकर आपका क्या रिएक्शन? मैम वो नहीं देखनी, देखनी गदर 2 है। OMG 2 क्यों नहीं देखनी? मैम मनी नहीं है, अब दोबारा 104:20 का भी लगने वाला, उसको भी देखने जाऊंगा दोबारा, इसलिए भाई बुलाए स्पेशल। अच्छा, आपको सनी देओल का कौन सा सीन उसमें अच्छा लगा? कटोरा वाला। कटोरा वो जो आते हैं पाकिस्तान में घुसते हैं, भिखारी हो तुम, वो सच्चाई है। हैंडपंप भी देखते हुए नजर आए थे। हाँ मैम, जो मैन है ना वो कटोरा नया यूनिक आया ना उसमें, पहले तो था ही वो वाला, इसमें कटोरा जो दिखाया ना हाथ में वो बढ़िया। उनकी हालत भी यही हो रही है इस टाइम जो देखने में आ रही है। तो आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने में बड़ा मजा आया? बहुत बढ़िया, इंडिया जीत गई उसमें। जीत गई मैम। आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 10 में से 10। 10 में से 10। सनी देओल की एक्टिंग कैसी लगी? बहुत बढ़िया, जो 22 साल पहले एक्टिंग थी उससे भी अच्छी एक्टिंग लगी इस बार। और उसमें अमीषा पटेल और सनी देओल का रोमांस कैसा लगा? मैम देखो जो गदर 1 में था उससे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कम है इस बार अमीश, हाँ लेकिन अगर सनी देओल की बात करें सनी देओल की तरफ से तो बहुत अच्छी लगी। मैडम OMG 2 का क्या सीन है आपके? अभी देखो नेक्स्ट वीकेंड पे देखते हैं जहाँ तक है, पर गदर 2 थी तो थोड़ी सी आजकल चल भी बहुत रहा है मैम, जय श्री राम, तो थोड़ा हाँ तो थोड़ा। तो OMG 2 में भी तो हर हर महादेव चल रहा है मैम, चल तो रहा है पर जय श्री राम ज्यादा ट्रेंड में आजकल। मतलब आप ट्रेंडिंग भगवान को फॉलो करते हैं। हर हर महादेव सावन चल रहा है। हर हर महादेव भी है, बट क्या है मैम थोड़ा सा अपना अपना मतलब सनी देओल थोड़े से मतलब फेवरेट एक्टर्स में भी हैं, और गदर 1 का सीक्वेंस वो आ रहा था इस बार, मतलब उसके पार्ट था गदर 2 का, तो थोड़ा सा ये था कि क्या डिफरेंस है, क्या देखना था ये था। गदर 1 आपको भी पता है मैम बहुत सुपर डुपर हिट गई थी, OMG भी बहुत सुपर डुपर हिट गई थी। हाँ बट मैम वो भी मतलब है, लेकिन जो प्रायोरिटी है मैम वो गदर 2 की थी। गदर 2 क्यों ज़्यादा वो महत्व देते हैं अपनी नज़रों में? हाँ जी। कौन सी मूवी देखी आपने? गदर 2 भी देखी है, OMG भी देखी है, लेकिन OMG में वो मजा नहीं है जो गदर 2 में है। अच्छा, आपके हिसाब से दोनों में से बॉक्स ऑफिस में कौन ज़्यादा कमाई कर सकती है? गदर 2। गदर 2 जी, कोई वो नहीं है शक? नहीं। सनी देओल का ये तोड़ा चलेगा। सनी देओल का एक्शन कैसा लगा? सुपर हिट। और अक्षय कुमार का जो वो है महादेव का लुक वो कैसा लगा? वो इतना नहीं वेव कर रहा है, लेकिन सनी देओल का हथौड़ा वेव कर रहा है आजकल, वो कर रहा है ज्यादा। आपके हिसाब से आप 5 में से किसको ज्यादा रेटिंग देंगे, गदर 2 को या OMG 2 को? गदर को। गदर को जी। आप बहुत सनी देओल के डाई हार्ट फैन लग रहे हैं मुझे। जी जी फैन हूँ। कोई डायलॉग बोलना चाहेंगे? डायलॉग इतने मैम याद नहीं किए हैं। 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ है सनी देओल का, बस। और आपको कैसा लग रहा है कि 22 साल बाद वो गदर 2 लेके वापस स्क्रीन पे आए, सिल्वर स्क्रीन पे? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, 22 साल बाद आए हैं। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है, 2002 में आई थी पहले गदर, आप 22 साल बाद आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा, और हमारे पब्लिक को भी अच्छा लग रहा है, सब लोग गदर 2 देख रहे हैं, गदर 2 के लिए देख रहे हैं, और हॉल भी बुक हैं गदर 2 से ही, OMG में हॉल बुक नहीं हुए। हाउसफुल किस में जा रहे हैं? गदर 2। तो मैम तो आप गदर 2 देख रहे हैं? हाँ जी। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा है रिव्यू, और मैं ये चाहूँगी हर किसी को देखनी चाहिए, स्पेशली हिंदुस्तान को तो काफ़ी अच्छा, वैसे ही 15 अगस्त आने वाला है तो उसके बेसिस पे तो बहुत ही है, दिल खुश हो गया देख के, और गदर 3 का भी इंतजार है। तो आप गदर 3 का इंतजार
इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आज OMG 2 भी रिलीज हुई है, ओ माय गॉड, और वहीं गदर 2 भी रिलीज हुई है, तो दोनों में से कौन बॉक्स ऑफिस पे गदर मचा गदर 2 डेफिनेटली गदर 2 नो डाउट गदर 2 डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पे। OMG 2 देखेंगे कि नहीं? उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसमें काफ़ी पहले ही चेंजेस हो चुके हैं, तो ज़्यादा मेन मेरे को कहीं ना कहीं एक सोशल सोशल मैसेज दिया हुआ है। मैसेज आज की जनरेशन हाँ बिल्कुल उसको भी मैं देखूंगी, अब मैं टिकट उसकी भी बुक करूंगी, बट स्पेशली मेरा जो मेन मोटिव था गदर 2 का था। हाँ गदर 2 आने वाले हैं तो उनको आप देखना, बिल्कुल उसको देखना, सेम वही है जो पहले था और अभी भी सेम सेम बिल्कुल जैसे पहले थी, बिल्कुल जैसे पहले थी वैसी अब उनको दिखाया गया है, कोई भी चेंजेस नहीं है, तो मेरा तो दिल खुश हो गया देख के और सबको देखनी चाहिए। आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगी 5 में से? मैं 5 में से 5 ही देना चाहूँगी, मेरा दिल खुश हो गया देख के। आप अकेले आए थे? हस्बैंड वाइफ आए थे हम दोनों। सर आपने भी मूवी देखी? हाँ जी मैम। आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गदर 2 में मतलब सनी देओल का ऐसा क्या, कौन सा सीन अच्छा लगा आपको जो आप एकदम ही मतलब फैन हो गए और भी ज्यादा? सारी बहुत अच्छे थे, बस हैंडपंप वाला जो सीन था वो सबसे गजब था। हैंडपंप नहीं उखड़ा? उखड़ा नहीं है बट जो कसर भी नहीं छोड़ी, पूरा कर दिया ना उखाड़ के भी, वो उखाड़ने वाली फीलिंग दे दी पूरी पूरी। आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 5 में से 5। 5 में से 5। और OMG 2 देखेंगे कि नहीं? नहीं ऐसे वो उसमें तो एक सोशल मैसेज है, सोशल मैसेज तो सबको देखना चाहिए। सोशल मैसेज देखना चाहिए बट वो फैमिली के साथ नहीं चल सकता ना, अभी इतने ज्यादा ओपन नहीं हुए इंडिया के लोग इसलिए। तो सर वही तो बात है, ओपन करने के लिए मतलब हर चीज़, जब कोई पीरियड्स पे बात कर सकता है, सेक्स पे बात कर सकता है, तो सेक्स एजुकेशन पे क्यों कतरा रहे हैं? सेक्स एजुकेशन अगर ओपन पहले से होता तो हम भी थोड़ा सोचते, अब जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी उस हिसाब से सोचा जाएगा ना, अब धीरे धीरे उन सबके लिए भी सोचेंगे। अच्छा। लेकिन अभी ऐसा कोई प्लान नहीं कि डायरेक्ट मैं भी अपने फादर के सामने सेक्स एजुकेशन के लिए कुछ भी बात कर लूँ, नहीं कर सकता अभी। अब आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, जब देखा जाएगा, जब हमारा लड़का बड़ा हो, क्या पता वो कर सके हमसे ओपनली बात, या हम उसे समझा सकें ऐसी चीज़ें, आगे हो सकता है, लेकिन अभी नहीं है ऐसा कुछ भी। तो आपके हिसाब से मतलब मूवी बॉक्स ऑफिस पे पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी कि नहीं तोड़ पाएगी? हाँ लग तो रहा है, लग रहा है, लग तो रहा है मैम, और चांसेस भी पूरे पूरे हैं मैम। इसमें है ना ग्रैंड लेवल की करी गई है सारी चीजें। 22 साल बाद सनी देओल आए हैं बिग स्क्रीन पे, वो भी गदर 2 के साथ आए हैं। वो भी बात है, इंपैक्ट तो बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, और अंदर ही पता लग रहा था कि कितना क्रेज है सनी देओल का आज के डेट में भी, जो आज से 23 साल पहले 22 साल पहले था उससे भी ज्यादा ही आज के डेट में। सेम डायलॉग, सेम एनर्जी के साथ वो आए। हाँ सब कुछ मैम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, मजा आया देख के, और मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा सब जाके देखें। OMG 2 देख के आए जी मैम? कैसी लगी? अच्छी मूवी है मैम, सेक्स एजुकेशन के रिगार्डिंग है, काफ़ी अच्छी मूवी है, और ये सब्जेक्ट होना चाहिए सिलेबस में, क्योंकि अक्षय कुमार का रोल कैसा लगा? अच्छा है दिख रहे हैं शिव के रोल में, पंकज त्रिपाठी तो पहले से ही अच्छे हैं एक्टिंग में, तो क्या लगता है OMG 2 और गदर 2 कौन अच्छा कर पाएगी? हाँ अभी गदर 2 मैंने देखी नहीं है, बाकी कल देखता हूँ। OMG 2 को कितनी रेटिंग देंगे? रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है, 4 स्टार तो है। 5 में से 4 स्टार है। नहीं मूवी बहुत अच्छी थी, स्टार्टिंग में इट वॉज लाइक कि लग रहा था थोड़ा सा वल्गर है या कुछ ऐसा है, बट ये सेक्स एजुकेशन एक्चुअली हर किसी को मिलनी चाहिए, एंड ये पेरेंट्स को और हर बच्चों को दिखा, ये मूवी ज़रूर दिखानी चाहिए। आपको क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पे OMG 2 का कलेक्शन क्या रहेगा? Maybe. क्या अक्षय कुमार की जो 6 फ्लॉप हुई है उसके बाद ये सुपर डुपर हिट हो सकती है? हाँ, 100%। और गदर 2 आपने देखी? अभी नहीं देखी। आप OMG 2 को कितनी रेटिंग देंगे? 5 में से 5। अक्षय कुमार पंकज सर की एक्टिंग कैसी लगी? इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें मतलब जो मैसेज है वो मतलब सबको देखना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? राइट, पेरेंट्स को तो इस मूवी को जरूर देखना चाहिए, और अपने बच्चों को भी एजुकेट करना चाहिए, और एक फादर को अपने बेटे को इट्स लाइक कि फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए। कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं? आई सॉ OMG 2। OMG 2 कैसी लगी? इट्स अ वेरी गुड मूवी एंड एवरीवन शुड वॉच इट, इट्स अ वेरी गुड मैसेज एंड समवन, एवरीवन शुड डेफिनेटली वॉच इट, इट्स अ वर्दी मूवी विच कैन गिव अ वेरी गुड मैसेज अबाउट सेक्स एजुकेशन एंड अदर थिंग्स ऑल्सो दैट पीपल शुड नो अबाउट इट। आई गेस इन माई ओपिनियन पंकज त्रिपाठी हैज नेल्ड इट द परफॉर्मेंस एंड अक्षय कुमार टू। अक्षय सर का रोल कैसा लगा? वेरी पावरफुल, महादेव वाला, लाइक डिवाइन शिवा
the Weeknd has feel the energy that is resonating with the character right. in the throughout the movie. So आपने गदर 2 देखी? No, not yet. गदर 2 देखने का कोई mood है? No, not right now. After watching this, I need some time to at least accommodate myself with the aura that I'm feeling right now. तो आपको क्या लगता है OMG 2 और गदर 2 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कौन आगे जाएगा, कौन पीछे रह जाएगा? मुझे लगता है कि शायद गदर 2 और OMG 2 के कंपैरिजन में OMG 2 अभी करेगी लाइक इट्स गोना रीच. इसमें जो मैसेज है वो बहुत अच्छा है, जो सबको जानता है. इट्स अ वेरी गुड मैसेज और काफ़ी गुड टॉपिक है जिस पर लोग बात नहीं करते. आई थिंक लोगों को देखनी चाहिए और लोग उसके लिए मेरे ख्याल शायद बात करेंगे. कौन सी मूवी देख के आए? गदर 2. गदर 2. Yes. आप सब गदर 2 देख के आ रहे हैं? Yes, जी. कैसी लगी आपको गदर 2? बहुत अच्छा है, 2001 की याद आ रहा है. बहुत अच्छी है. और OMG 2? नहीं, गदर 2 मूवी अच्छी है, बस नल नहीं उखड़ा है. नल नहीं उखड़ा, नल तो सिर्फ देख के डर गए हैं सब. अच्छा, अगली बार भी उखाड़े. आपने OMG 2 देखी? अभी नहीं, अभी देखी. अगली बार? अच्छा, कल परसों में देख लेंगे. आप OMG 2 को कितना? अभी हमने देखा नहीं. गदर 2 को कितने रेटिंग देना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ उसको कम से कम 100 मिनट से पूरे 100 जाना चाहिए, क्योंकि गदर 2 जो आई है मतलब बेस्ट आई है सबसे ज्यादा. सनी देओल का एक्शन बहुत अच्छा, रिएक्शन उनका बहुत अच्छा, रिएक्शन एक नंबर की मूवी है. और उनकी जो वो उसमें जो पुराने उदित नारायण ने गाना गाया वो भी आया होगा, आपको कैसा लगा? गाना तो ठीक था बट मुझे याद नहीं है गाना. गाना सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा ना. एक मूवी तो एक नंबर की थी, बहुत और अच्छी. ये जो बॉक्स ऑफिस पे क्लैश हो रहा है OMG 2 और गदर 2 का, क्या लगता है कौन आगे जाएगा और कौन? गदर 2 जाएगा, क्योंकि गदर 2 सबसे बेस्ट आया इस बार. आपको क्या लगता है, गदर 2 चलेगी या OMG 2 चलेगी? देखो, हमें उम्मीद तो गदर 2 की है, क्योंकि वहाँ पर हिंदुस्तान की छवि बहुत अच्छी दिखाई और वहाँ पे प्रेम संबंधित बातें भी कही गई कि दोनों धर्मों को जोड़ने की बात कही गई. तो हमें गर्व है, फिल्म पर बहुत अच्छी शूटिंग भी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट, मतलब देखने से भी फील अच्छा आया है कि दोनों धर्मों को जोड़ने की बात करी और अन्याय के खिलाफ मतलब कैसे प्रदर्शन करना चाहिए उसके लिए ये काफ़ी अच्छी मूवी है. हर हर महादेव, महादेव का किरदार निभा रहे अक्षय कुमार, उससे आपको कोई उम्मीद वो, नहीं है? नहीं नहीं, वो भी देखेंगे, अभी हमने देखी नहीं है. महादेव तो हमारी रग रग में, हमारे तो आराध्य है, तो उनकी फिल्म तो जरूर देखेंगे. आपको क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पे कौन आगे जाएगा? गदर 2. देखो, अभी तो गदर 2 का चल रहा है. एडवांस बुकिंग कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जहाँ तक मेरे को रिव्यू मिला है वो OMG 2 का अच्छा मिला है, पॉजिटिव रिव्यू. देखो, वो तो मैं सोशल मैसेज है, देखने के बाद ही पता लगेगा कि देखने के बाद कैसा लगता है. वैसे तो गदर 2 को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? मैं अगर 200 होती तो वो भी दे देता. 5 से भी ज्यादा दे देता.